अरे उसने कहाँ से देख लिया, वो ड्राइंग रूम में कहाँ गई थी? तो आ क्यों नहीं रही वो, मिली के घर से वापस? तुम्हारी बच्चियों ने तो कसम खा रखी है मुझे जलील करवाने की। अब तुम जाओ ना सहसा, जाके देखो कहाँ रह गई है वो। जी अम्मी। तुम मक्नतीस की तरह चिपक कर नहीं बैठ जाना वहाँ। नहीं चिपकूंगी अब्बा। ये ड्राइंग रूम में डबल सवारी जैसी क्या चीज बैठी हुई है? बाखुदा का खौफ करे, प्रोफेसर सानिया का इकलौता बेटा है। हाँ तो इकलौता बेटा होने का मतलब ये थोड़ी है कि उस इकलौते को 10 आदमियों का राशन खिला दिया जाए। पहले आप ये बताएं, आप पूरी दोपहर थे कहाँ? अरे डॉक्टर के पास, अभी देख लीजिए डैम खुला हुआ पूरा। अब्बा अंदर जाकर बैठे, माहा को देखे हैं ये प्रोफेसर सालिया। अरे भाई माहा को तो पहले दिखा देते ये डबल सवारी, अगर माहा को पसंद आ जाती तो फिर बुला लेते उसे घर वालों। अब्बा अब ये नई पट्टी अब बच्चियों को नहीं पढ़ाइएगा। अरे ये पट्टी तो हर माँ बाप को पढ़नी चाहिए भाई, लड़कियां हैं कोई भेड़ बकरियां थोड़ी हैं, ये बस हाँक कर मेहमानों के रंग भर के मेहमानों के सामने खड़ी कर दी। यही दस्तूर चला आ रहा है सदियों से। हाँ तो बदलो ना इस दस्तूर को। ये भाई जब लड़के वाले घर से निकले लड़की देखने के लिए तो पहले अपने लड़के को घर में ही अच्छी तरह देख ले। आपसे तो बात करना ही फजूल है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारे मियां का? अरे आपका भी तो बेटा है। हाँ तो यही तो अफसोस है जिंदगी का, एक ही प्रोडक्ट वो भी दिमागी तौर पर खिसका हुआ। कहाँ रह गई लड़कियां, उल्लू की पटियां। फिर चाहो तो भूसा मार के बत्ती से तोड़ दो उस मनुष्य चमचे की। अपना अब्बा बॉक्सर बने फिर पूरे घर में। हिम्मत तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड की, मुझे लॉक करके चला गया। बंद कर दिया तुम मुझे अपने रूम में। तो तुम क्या उसके कमरे में चने चबाने गई थी? अब्बा की यूएसबी नहीं दे रहा था वो। और यकीनन तुम चुरा के ले आई होगी। जाहिर सी बात है नेहा को तो बुद्धिन कोई भी मिशन अधूरा नहीं छोड़ती। तुम कब सुधरोगी नेहा? बाजी बाजी जल्दी से चले, अब्बा बड़े गुस्से में है। वो कब गुस्से में नहीं होते बहन, अब तो उनके माथे पे विक्ट्री का निशान भी आने लग गया है। इलेक्शन से लड़ लेते वैसे वो। अभी तो अम्मी से लड़ रहे थे वो। मेरी मैरिनेट की हुई फिश वहीं रह गई। जाओ साशा लेकर आओ। शर्म करो, ससुरालियों को मांग तांग कर खिलाओगे दुश्मनों की फिश? फिश को छोड़े महा, अभी साले आंटी के बेटे को ना मशवरा दीजिए कि ना योगा और एक्सरसाइज कर ले, काफी हेल्दी है वो। कहाँ से पकड़ के ले आए अब इतना हैवी पीस? जाकर पूछ लेना, शायद तुम्हें बता दे। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें लड़का पसंद ना आए ना तो इशारा कर देना, नेहा उस्ताद सब संभाल लेगी। तुम सिर्फ अपनी जबान संभाल लेना प्लीज। वो तो मुश्किल है। तो फिर समझो आज बोरी सिल ही जाएगी तुम्हारे नाम की। सोच लो, खुजली अगर नेहा के हाथ में हो तो नुकसान किसी दूसरे का होता है। और कितना नुकसान कराओगी? बहुत सारा। आ जाओ भाई देखते हैं अंदर तमाशा। चले चले जल्दी जल्दी। अगल हो गया यार। अगर उसकी अगल घुटनों में है तुम्हारी कहाँ चली गई है? घास चढ़ने। अगर बाबा को पता चल जाता तो बिला वजह पर का कव्वा बना देते वो। तो वो उस नया उस्ताद को सोचना चाहिए था ना अपनी उस्तादी दिखाने से पहले। तो उसने नहीं सोचा, लेकिन तुमने सोच लिया कि उसके ताबूत पे आखिरी किल मैं ही ठोकूंगा। भाई इतनी आसानी से नहीं मरेगी ये ढीठ हड्डी। बहुत हो गया तुम्हारा, तुम दोनों प्रोजेक्ट कैसे करोगे एक साथ? वो तो हम कर ही लेंगे एक दूसरे का सर फाड़ कर, आदत है हमें। आपको क्या हो गया है यार? महा को घर में लोग देखने आए हुए हैं। ओ वो रिजेक्टेड पीस है। तुम्हें कैसे पता? तुमने कहां देखा? मैं वो दादा को ड्रॉप करने गया था ना तो वो रास्ते में नजर आ गया।